जयपुर के विद्याधरनगर विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वार्ड नंबर 5 और 12 में 2 उच्च जलाशयों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधिवत पूजा अर्चना कर वार्ड नंबर 12 बेनाड रोड पवनपुरी में तथा वार्ड नंबर 5 पार्षद कार्यालय के सामने बड़ाना में उच्च जलाशयों का शिलान्यास किया। इस परियोजना से लगभग 60,000 लोगों को बिसलपुर का पानी उपलब्ध होगा। यह निर्माण कार्य मार्च से अगस्त 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इन जलाशयों के निर्माण से वार्ड नंबर 5 और 12 की विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाली लगभग 58,000 आबादी को निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के साथ बेहतरीन ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे जल भराव और बार बार सड़क टूटने की समस्या से निजात मिलेगी। सरकार इसके लिए बेहतरीन प्लान बनाकर काम कर रही है। ये जितने भी आपके काम होंगे आगे, मैंने इस बार प्रयास किया है, चाहे 100 सड़क नहीं 80 सड़कें बने, लेकिन वो कोशिश ये रहेगी कि सीसी की बने या तो, और नहीं तो उसमें ड्रेनेज, उसमें अगर नाली नहीं बनेगी तो नई सड़क बनने का कोई फायदा नहीं है। मुझे मैं वापस हर आजकल तो हर कार्यक्रम में मैं ये बात रखती हूँ कि आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। नाली तो बनाना जरूरी है। अब उस नाली बनने में कहीं हो सकता है कि कहीं अतिक्रमण हो, कहीं हो सकता है कि हमको आवश्यकता हो एक्स्ट्रा लैंड की, तो उसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि जब ये सड़क टूटती है या आपको दिक्कत होती है, पानी भर जाता है, क्योंकि मॉनसून तो अब मुझे लगता है ऐसा ही मॉनसून होगा, जिस तरह से अब भारी वर्षा इस बार हुई है, ऐसी क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं होगी। ओ, और अच्छी बात है, राजस्थान को आवश्यकता है पानी की। इसका मतलब ये है कि हमको हमारी सड़कें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और दुरुस्त बनाना होगा और क्वालिटी के साथ बनाना होगा। इसमें सहयोग सरकार तो पूरी मेहनत करे। हम लोग डीपीआर बना रहे हैं कि अब जो सड़कें बनेंगी अब उनमें नाली की, साथ में नाली का प्रोविजन होगा, वो हो। लेकिन अब आपकी जरूरत ये नहीं हो कि मैं नाली के लिए बोल दूं बन जाए, फिर मुझे वहां पर सप्लाई कि नहीं मैडम ये नाली नहीं बन सकती, फिर अगली बार फिर से वो सड़क टूटे, फिर मैं बोलूंगी कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि वो यही हालत होगी कि सड़क इसलिए क्योंकि पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है डामर की सड़क पे, तो सड़क बार बार में टूटती है ना। तो ये वैसे तो मेरा प्रयास रहेगा इन 5 सालों में अपन कोशिश करें कि जो भी नई सड़कें बने वो सीसी की बने, यही मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि नहीं तो ये रोज रोज का टूटना, रोज रोज का रोना, ये कब तक कोई भी झेलेगा, ये सही नहीं है। वैसे मैं मानती हूँ शहरों में होनी भी यही चाहिए, सीसी की बननी चाहिए, शहर है जयपुर है। पर अब क्या करें, अब इस बार पहली बार आप लोगों ने मुझे यहाँ से अवसर दिया है और कोशिश करेंगे सबके सहयोग के साथ हम सब इन परेशानियों को दूर करें। एक रात में या 3-4-5 महीनों में परेशानियां दूर नहीं होती है। सब चीज परिवर्तन में समय लगता है। आज हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन देख पा रहे हैं, लोगों का नजरिया बदला है, समाज की सोच बदली है। वो इसलिए क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब से उन्होंने ये कार्य संभाला, जब से वो प्रधानमंत्री बने इस देश के, तब से हमने देखा, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, हम स्वच्छ भारत की बात करें, हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें, हमारी सेना को मजबूत बनाने का काम उन्होंने किया, हमारे जो विश्व स्तर पर हमारी जो पहचान थी भारत की उसको और आगे बढ़ाने का काम किया। अब भारत पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, बहुत जल्दी थी।